तो जी हम पहुंच चुके हैं इस टाइम लताज वड़ा पाव पे, जो कि मुंबई में एक आंटी जी रन करती हैं स्टॉल। नमस्कार आंटी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आप कितने टाइम हो गया आपको स्टॉल चलाते हुए? 18 साल हो गए। 18 साल? 18 साल से यहीं पे इवनिंग में, शाम को लगाते हो आप स्टॉल? तो क्या क्या रखते हैं आप यहाँ पे? पटाटा वड़ा रहता है। हाँ जी। भजिया रहता है, कांदे का भजिया रहता है, पालक का भजिया रहता है। हाँ जी। मूंग दाल का भजिया रहता है। ओके। ऑल टाइप्स ऑफ भजिया एंड वड़ा। ऑल टाइप ऑफ भजिया एंड वड़ा। तो हम भी यहाँ पे देखते हैं भाई कितना कौन कौन सा भजिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देख लीजिए आप मेन्यू इनका पूरा। और आंटी जी क्या मतलब, क्या आपने ये शुरुआत कैसे करी इसकी, क्या सोच के शुरुआत करी? कुछ सोचा नहीं, मुझे कुछ बिजनेस करने का था, काम करने का था। हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे चालू कर दिया। अच्छा, अपना कुछ अपना कुछ बिजनेस करना था तो आपने स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मेरे पति का जॉब चला गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी कुछ पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी। तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे रहे ना, तो मैं जॉब पे नहीं जा सकती। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने ये शुरू किया आपने। अभी हम बेसन का घोल बना रहे हैं। हाँ, ये चने का आटा है। ओके। प्योर चने का आटा है। तो ये जो है बैटर तैयार हो रहा है वड़ा बनाने के लिए, और जो बता रहे हैं जैसे कि प्योर बेसन का होता है ये सोडा है। हाँ। तो बैटर जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसके बाद जो है बड़े बड़े बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। आलू वगैरह आप घर से ही बॉईल करके लाते हैं? हाँ, हम लोग पूरी तैयारी घर से ही करके लाते हैं। हाँ जी। यहाँ पर सिर्फ जैसे मेरा ऑर्डर आता है मैं गर्मा गर्म बनाती हूँ। हाँ जी। किसी एक को भी ठंडा वड़ा मैं नहीं देती, गरम ही गरम खिलाते हैं। एकदम गर्मा गर्म हमारा वड़ा का मसाला रहता है, ये घर से ही लेके आते हैं। हाँ। तो इसमें क्या क्या डाला गया है कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? अदरक, मिर्ची, लहसुन। हाँ जी। धनिया, कच्चा धनिया, हल्दी। अच्छा, ये सारी चीजें इसमें। हाँ। सब हेल्दी चीजें इसमें रहती है। ओके। हमारा तेल भी हम लोग सील का तेल यूज करते हैं। अच्छा, मूंगफली का ऑयल है। Okay. नमक हम लोग टाटा का यूज करते हैं। ओके। बढ़िया आलू हम लोग यूज करते हैं और फ्रेश फ्रेश बना के देते हैं। पेपर भी हम लोग अच्छा यूज करते हैं। तो मीन्स कोई भी इसमें हम लोग अभी भले स्ट्रीट वेंडर्स है मगर हम लोग पीछे। अच्छे। हाँ, अच्छा क्वालिटी का बनाते, अच्छा लोगों को फ्रेश फ्रेश। अभी मसाला भी मेरा अभी शाम को ही बनता है। अच्छा। सब मसाला चटनियाँ शाम। तो जी यहाँ पे एक एक और वड़ा पाव जो बहुत फेमस है वो है चीज बस वड़ा पाव। तो कैसे बनाते हो उसको आप? ये स्लाइस को हम लोग निकालते हैं। हाँ जी। और इसको ऐसे रोल कर देते हो, और ये जो आलू का मसाला रहता है उसको लगा देते हो, इसके अंदर स्टफ कर देते हो। तो इसमें थोड़ा आलू मसाला भी ज्यादा जाता होगा। डबल जाता है, डबल जाता है। दो वड़ा पाव खाने का आपको इसमें इतना ये आलू है, दो वड़ा पाव का है। अच्छा। और प्लस चीज भी आपको मिलेगी। चीज भी मिलता है, राइट। तो ये है, ये क्या बात है, एकदम राउंड तैयार हो गया जी। अब ये देखो ये चीज बस वड़ा है, ये मैंने खुद ही तो इसके बनाने के बाद ही बहुत लोग काफी लोगों ने शुरू किया। हां, ग्रेट, क्या बात है। तो ये जो है आपका ही इनोवेशन है, और मेरे को इसमें चीज हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा है। हाँ, ये देखो मैं फोड़ के बताती हूँ। अच्छा, ये है चीज, चीज बस वड़ा पाव पूरा स्लाइस हम लोग उसमें डाल देते हैं। अच्छा, तो इसकी क्या कॉस्ट होती है? ओनली 35 रुपीज। 35 ओनली बस। Thank you.
हाँ जी, बकरी का ख्याल भी रखते हैं इनका। हाँ जी, तो ये जो इसमें दो तरीके के वड़ा दिख रहे हैं मुझे, एक तो बेस्ट है और नॉर्मल वड़ा जो है। मुंबई में वड़ा पाव सुबह ज्यादा खाते हैं लोग या शाम को? दिन रात खाते हैं। अच्छा, हर समय अगर आप साउथ बॉम्बे में जाओगे ना, हाँ जी, तो आपको पूरी रात वड़ा पाव मिलेगा। पूरी रात अरे बाप रे, पूरी रात वड़ा पाव, पाव भाजी, पुलाव। हाँ जी, दिन रात मिलेगा और बहुत अच्छा भी है। हाँ, फ्रेश है और अच्छा है, टेस्टी भी है, तो प्रिफरेबली लोगों को यही सबसे अच्छा। बहुत शानदार। तो आप बचपन से ही गा रहे हैं या बाद में शुरू किया? नहीं, मैं मेरे खुद की खुशी के लिए मैं गाती हूँ। शौक है आपको? इधर भी गाते थे। अच्छा, मेरे सब कस्टमर भी सुनते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जी ये है, हाँ करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने शौक जरूर पूरे करने चाहिए। अपना शौक तो आप खुद ही पूरा कर सकते हैं। सही बात है, और अपनी भी अपनी जिंदगी जिएगा। जो है एक चीज, बस वड़ा पाव लगने जा रहा है। उधर जो है वड़ा रेडी होते हैं, यहाँ पे पाव में उसको बनाया जाता है। बनाइए आप ये किस, हरी चटनी किस चीज की है? हरी चटनी, पालक, धनिया। ओके, और ये लाल वाली मीठी है? ये मीठी है, ये सूखी है। ओके, और ये ऑनियन आता है। ओके, और ये मक्का आता है। ये आपने पाउडर भी डाला है कोई? सूखा चटनी, सूखा चटनी। और ये अपना वड़ा पाव रेडी, ये है चीज बस वड़ा पाव। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, चीज बस ना। तो जी हमारे यहाँ पे वड़ा पाव आ चुका है, ये देखिए। इसके अंदर जो है चीज स्टफ्ड है, साथ में आप देखेंगे कुछ अलग है ये, जो कॉर्न फ्लेक जो है फ्राई करके भी देते हैं, बहुत शानदार। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं चीज बस में कुछ अलग है भी या नहीं। ये देखिए, ये है चीज बस वड़ा पाव, अंदर फुल जोन चीज भरा हुआ है बढ़िया से। तो लताज वड़ा पाव, आप भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। एक बार लताज वड़ा पाव पे आए और इसको ट्राई करें, मजेदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।